हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किलो इंग्लिश। आज हम 6 कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में जानेंगे डिटेल में। वो ये 6 वर्ड हैं: वॉच सी लुक मतलब देखना, लिसन हेयर मतलब सुनना, पुट कीप पैलेस मतलब रखना, बाय परचेज मतलब खरीदना, होम हाउस मतलब घर, वीप कराई मतलब रोना। तो हमारा फर्स्ट है होम एंड हाउस, दोनों का मतलब सेम होता है घर। होम उसे कहते हैं जिसमें सिंगल फैमिली रहती हो, 1-2-3 रूम होते हैं लगभग, जिसमें आप अपने मैम डैड के साथ रहते हैं, जैसे सिंगल फैमिली रहती हैं उसे होम कहेंगे। एग्जांपल देख लो, मैं एक घर खरीदूंगा, आई विल परचेज अ होम। और हाउस उसे कहते हैं जिसमें ढेर सारे कमरे होते हैं, ज्वाइंट फैमिली रहती हो, जैसे मैम डैड दादा दादी अंकल, मतलब पूरा खानदान एक में रहता है, उसे हाउस कहेंगे। मैं अपने पूरे परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा, आई विल परचेज अ बिग हाउस फॉर माई होल फैमिली। नेक्स्ट है हमारा बाय और परचेज। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसमें ये डिफरेंट है कि जो चीज़ सस्ती हो उसमें बाय लगाएंगे और जो चीज़ महंगी हो उसमें परचेज लगाएंगे। अब इसमें कोई रेट फिक्स नहीं है कि ये चीज़ इतने की है तो इसमें बाय लग जाएगा, ये चीज़ इतने की है तो इसमें परचेज लगेगा। आपकी पॉकेट के अनुसार जो चीज़ आपको सस्ती लगे उसमें बाय लगाएंगे और जो चीज़ आपको महंगी लगे उसमें परचेज लगाएंगे। जैसे मैं मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय ए मोबाइल। अब यहाँ पर मोबाइल की बात हुई है, अब मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी मोबाइल खरीदूंगा, सस्ती या महंगी। बेसिकली मोबाइल की बात हुई तो मोबाइल कोई भी हो सकती है, जो हर कोई खरीद सकता है। मैं एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदूंगा, आई विल परचेज ए आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब यहाँ पर परचेज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने महंगी मोबाइल की बात की जो हर कोई नहीं खरीद सकता, और हम भी इतने अमीर नहीं हैं कि ये हमें सस्ती लगे, तो यहाँ पर परचेज लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा पुट कीप पैलेस। इन तीनों का मतलब होता है रखना, लेकिन कब पुट लगाना है, कब कीप लगाना है, कब पैलेस लगाना है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आइए क्लियर करते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ पहले से कहीं पर रखी हुई है और उसको उठाकर किसी दूसरी जगह रखना है तो वहाँ पर पुट लगाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ मोबाइल टेबल पर रख दो, मोबाइल ऑलरेडी टेबल पर कहीं पर रखा हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ वहाँ से उठा के टेबल पर रख दो, मोबाइल टेबल पर रख दो, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। पुट से पता चला कि यह कहीं पर मोबाइल रखा हुआ था। अब आते हैं कीप पर। कीप को वहाँ लगाएंगे जब आपने कोई चीज़ हाथ में ली हुई है और उसको रखना है तो वहाँ पर कीप लगाएंगे। जैसे मान लो मोबाइल टेबल पर रख दो, यही एग्जांपल लेते हैं हम, आपने मोबाइल हाथ में लिया हुआ, मैं कहूँ मोबाइल टेबल पर रख दो, तो कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। और पैलेस वहाँ लगेगा जहाँ कोई भारी भरकम चीज़ फिक्स कर दिया जाए और ढेर दिन बाद उठाया जाए, जैसे फ्रिज हो गई, अलमारी हो गई, या कोई और भारी भरकम चीज़, वहाँ पर पैलेस लगेगा। एग्जाम्पल, फ्रिज को कोने में रख दो, प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर। चौथा है हमारा लिसन एंड हेयर। पहले आते हैं लिसन पर। अगर कोई ऐसा साउंड सुन रहे हैं जिसकी कोई मीनिंग है, जिसका कोई मतलब है, यानी वो आपको लैंग्वेज में समझ में आती हो, तो वहाँ पर लिसन लगाएंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात भी आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पर भी लिसन लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग यू। और हेयर वहाँ लगेगा जो आवाज़ समझ में न आती हो, जैसे कोई बम फूटने की आवाज़,
कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़, यानी कोई ऐसी आवाज़ जो इंसान को समझ में न आए, मतलब वो आवाज़ लैंग्वेज में नहीं है, वहाँ पर हेयर लगेगा। जैसे मैंने एक आवाज़ सुनी, आई हर्ड अ साउंड, हेयर किसी कन्फर्म होती है हर्ड। पांचवा है हमारा वॉच सी लुक, तीनों का मतलब देखना होता है और ये कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है तो इन्हें अच्छे से समझते हैं। वॉच का मतलब देखना होता है, लेकिन ये मोशन वाली चीज़ों को देखना होता है, गतिशील वस्तु। अब जैसे कोई ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, चलती हुई चीज़ें, टेलीविज़न में जो सीन चल रही है, टेलीविज़न को देख रहे हो तब तो वॉच नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कोई मूवी या सीरियल वो देख रहे हो तब तो वॉच लगेगा। ऐसे ही सिनेमा हॉल में बैठे हो, वहाँ पर मूवी चल रही है, वहाँ तो वहाँ पर भी मोशन है, वहाँ पर भी वॉच लगेगा। मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब दूसरा है शी, इसका इस्तेमाल करते हैं रुकी हुई चीज़ों के लिए, जो चीज़ एक जगह रुकी हुई हो। जैसे मैंने एक शेर देखा, आई सॉ अ लायन, सी की सी का नफाम होती है सॉ। हाँ, अगर शेर चलता हुआ हो तो वहाँ पर भी वॉच लगाएंगे। लुक, लुक वहाँ लगाएंगे जो चीज़ लगातार देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, टकटकी लगा कर देख रहे हो। अब क्लास में सर बोल रहे हैं ध्यान से देखो, तो वहाँ पर लुक लगेगा। अब मैं आपसे कहूँ मुझे देखो, तो लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी। और इसमें एक चीज़ और है कि घूर कर देख रहे हो, अटेंशन देकर देख रहे हो, तो वहाँ पर भी लुक लगेगा। या फिर वो रुकी हुई हो या गतिशील वस्तु हो, वहाँ पर भी लुक लगाएंगे। लास्ट है हमारा कराई और वीप, कराई वहाँ लगाएंगे जो कोई भी रो रहा हो और वो चीख चीख कर रो रहा हो, चिल्ला के रो रहा हो, जैसे कोई बच्चा रोता है, तो वहाँ पर भी कराई लगाएंगे। जैसे कुछ बच्चे रात के समय रोते हैं, सम बेबीज कराई ड्यूरिंग द नाइट। और वीप वहाँ लगाएंगे जहाँ कोई रो रहा है, मन मन में रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर या चीख चीख कर नहीं रो रहा है, तो वहाँ पर वीप लगाएंगे। जैसे इस नज़ारे ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया, द साइट मेड मी वॉन्ट टू वीप।